हेलो ब्रदर, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो अपना होने वाला है कुर्ताज के ऊपर, कि अभी जैसे कि शादियों का सीज़न आने वाला है, होली आने वाला है और कोई कोई अपना फेस्टिवल आने वाला है, तो उस फेस्टिवल में हम लोग कुर्ता प्रेफर करते हैं क्योंकि अपना ट्रेडिशनल है। तो आज का ये वीडियो हम कुर्ते के ऊपर लेके आने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ अपने जो वेबसाइट्स हैं और ऐप हैं उनसे मंगाया है, जैसे कि मिंत्रा और अजियो से 3 कुर्ताज को मंगाया है। आज मैं उनका रिव्यू करने वाला हूं आपके सामने, जिसमें से एक ये है जॉम्पर, जिसको मैंने मिंट्रा से मंगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग गाइज, सबसे पहले देखते हैं इसके अपीयरेंस को। तो इसका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा है, जो फील है और हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है, और इसका हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, फील भी काफ़ी अच्छा है। और ये फैब्रिक है थोड़ा सा टेक्स्चर्ड में है, ज़्यादा टेक्स्चर नहीं है, थोड़ा सा टेक्स्चर्ड फैब्रिक है, और साथ ही साथ इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और काफ़ी छोटी भी नहीं है, हाइट परफेक्ट है। और जो फिट मुझे मिला था मेरे साइज़ के अनुसार, ये एम साइज़ था, तो फिटिंग भी एकदम ज़बरदस्त थी, मुझे कोई फिट कराने की जरूरत नहीं। इसका जो मटेरियल था वो 100% कॉटन है। तो भाई जी, ये अपना जो पहला कुर्ता था। अब आते हैं दूसरे कुर्ते पर, जो है अजियो के द्वारा हमने मंगाया है, वो नेटप्ले का ही है। तो भाई वो जो था नेटप्ले का कुर्ता, वो भी 100% कॉटन का बना हुआ, एकदम टेक्सचर्ड लुक है, जिसको आप देख सकेंगे, आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे। इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, ये एस साइज़ का था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लूज़ आ रहा है, लेंथ काफ़ी बड़ी है। अगर आप इस कुर्ते के लिए जाइएगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे नंबर पर, तो जब आप कुर्ते के लिए जाइएगा तो आप अपने हाइट के हिसाब से, मैं एम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये एस होने के साथ साथ फिर भी ये मेरे में बड़ी आ रही थी। तो आप अगर इसके लिए जाइएगा तो आप एस के लिए जाइएगा, या अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एस ही इतनी बड़ी है। तो अगर आपका हाइट मेरे से ज़्यादा और आपका बॉडी थोड़ी मेरे से ज़्यादा चौड़ी है तो आप इस कुर्ते के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम था, अभी 500 के आसपास आपको अजियो पर अवेलेबल है ये। तो भाई, जिसका मटेरियल 100% कॉटन था, और फिटिंग और ड्रेप और ये जो मटेरियल काफ़ी अच्छा है, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, टोटली टेक्स्चर्ड है। तीसरा नंबर पे जो अपना कुर्ता है वो है नेटप्ले का ही कुर्ता विथ एम्ब्रॉयडरेड पैकेट। गाइज, ये जो कुर्ता है ये 100% पोलिस्टर है, इसका ड्रेप भी अच्छा नहीं है, फील भी अच्छा नहीं है बॉडी पे, यानी कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर आपको लेना है इसको, तो इसको आप लेने के अगर सोच रहे हैं तो इसको मत लीजिएगा। अगर आपने अजियो पर कभी इस कुर्ते को देखा है तो इसको आप मत लीजिएगा, क्योंकि इस ये 100% पॉलिस्टर है, जो हमें अच्छा ड्रेप भी नहीं देगा, फील भी नहीं देगा, और बॉडी पे उतना कंफर्ट भी नहीं देगा, तो आप इसके लिए मत जाइएगा। इसके प्राइस भी कम नहीं है, 400 के आसपास इसकी प्राइस है। तो गाइज, इस कुर्ते को आप नहीं लीजिएगा अभी, अगर आप कभी अजियो पर जाएँ तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये साइज वाइज फिटिंग और सब तो अच्छा है, बट इसका जो मटेरियल वही अच्छा नहीं है। तो गाइज, इनिशियली के पहले और दूसरे जो कुर्ते के बारे में मैंने बात किया, पहला कुर्ता जो मिंट्रा पर अवेलेबल है, गाइज ये कुर्ता तो एक जो कलर में अवेलेबल है, लेकिन मिंट्रा पर इस ब्रांड के काफ़ी सारे डिज़ाइन और काफ़ी सारे कुर्ताज अवेलेबल है, जो व्हाइट, ब्लैक और दूसरे भी कलर्स के हैं, स्काई ब्लू, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मिंट्रा पे काफ़ी सारे कुर्ता अवेलेबल है, जो प्राइस उनकी 1200 से लेकर और 2000 के आसपास तक। इस कुर्ते की जो प्राइस है, मैंने जो इसको पे किया था, ये मुझे 985 पे करना पड़ा था टोटल, और वो जो दो कुर्ते हैं, एक का 400 अप्रॉक्स और एक का 440 और एक का 420 का अप्रॉक्स हमें पे करना पड़ा था। ज़्यादा एक्सपेंस इस पर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर शादी और कोई अरेंजमेंट है उस टाइप का, ओकेजन है, आपके घर पे होने वाला, आपका पर्सनल होने वाला है, उसके लिए आप 2000-2500 के ऊपर जा सकते हैं। जैसे मैं, उसके लिए आप शेरवानी और नेहरू जैकेट के साथ कुर्ते के लिए आप जा सकते हैं, थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है बजट तो। सारे जो फैब्रिक है उनका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट क्यूरी और सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर हमें वहाँ पर फॉलो करिए और हमारे साथ बातचीत करिए। अगर आपका कोई कमेंट और क्यूरी और सजेशन है तो मैं वहाँ पर भी आपका हेल्प कर सकता हूँ। गाइस, आई होप, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड।